अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कवायद तेज। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन ने फोन पर की बात। काबुल हवाई अड्डे पर आज सुबह फिर हुई फायरिंग। तालिबानी लड़ाकों ने की फायरिंग, कई लोगों की मौत की खबर। अफगानिस्तान के हालातों पर आज नाटो ने बुलाई आपात बैठक। इस बैठक में 30 देशों के विदेश मंत्री होंगे शामिल। अकुल ज्यादा हो सकता है तालिबान सरकार का सर्वोच्च नेता। खबर है काउंसिल तालिबान सरकार को चलाएगी। अफगानिस्तानी फुटबॉलर जाकी अनवारी नहीं रहे। अमेरिकी विमान से गिरने के कारण हुई फुटबॉलर की मौत। पीएम मोदी ने आतंक पर किया प्रहार और आतंक के जरिए आस्था को कुचला नहीं जा सकता कहा। पीएम मोदी ने वर्चुअली सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। कहा कि दिल्ली में हूं पर मन सोमनाथ में है। विपक्ष को लामबंद करने के लिए आज सोनिया गांधी करेंगी बड़ी बैठक। 14 विपक्षी दल ले सकते हैं बैठक में हिस्सा। यूपी में जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। एमएलसी की 4 खाली पड़ी सीटों पर मनोनीत सदस्यों के नाम तकरीबन तय। ओबीसी बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। अब सभी राज्यों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए कोटा देने का अधिकार होगा।